हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पे रेलवे के तरफ से जो रेलवे का ALP का फास्टेस्ट सीवीटी रिजल्ट आ चुका है, जो रेलवे का अभी सेकंड स्टेज का डेट भी दे चुका है। दोस्तों, 20 जनवरी से शुरू होने वाला है, 2021, 22, 23 से शुरू होने वाला है। 4 दिन यहाँ पर रखा गया है सेकेंड स्टेज सीबीटी। दोस्तों, यहाँ पर आपको सिलेबस क्या रहेगा पूरा जानकारी देने वाला हूँ। स्टडी मटेरियल क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ोगे तो आप CBT 2 क्रैक कर सकते हो। पूरा एग्जाम स्ट्रेटजी पूरा बताने वाला हूँ, प्रिपरेशन कैसे करना है और CBT 2 के लिए कैसे तैयार करना है पूरा जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो दोस्तों अच्छा लगेगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यहाँ पे रेड ऑप्शन एक सब्सक्रिप्शन होगा उधर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं रेलवे का रिगार्डिंग पल पल का अपडेट आपके पास देता रहता हूँ। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। तो चलते हैं हम ऑफिशियली नोटिफिकेशन को। यहाँ पे पहले आप लोग को सिलेबस बताऊंगा और स्टडी मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और कैसे आपको तैयारी करना है। दोस्तों, अगर आप रियली तैयारी करना चाहते हो कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। लिंक से जाके मेरे को फॉलो करने के बाद मेरा MCQ क्वेश्चन बहुत सारा डाल के रखा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वीडियो देख के तैयारी भी कर सकते हो, कोई भी इशू हो रहा है डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो मैसेज के जरिए में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरे नाम सर्च कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हम ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट को आ चुके हैं, CEN 01 2018। यहाँ पे हम चलते हैं CBT 2 को, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। जो CBT 2 का एक सिलेबस दिया गया था ऑफिशियली, वहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड स्टेज CBT लिखा गया है। फर्स्ट स्टेज CBT का जो भी जितना लोग भी कैंडिडेट सिलेक्शन हो चुके हैं, यहाँ पे लिखा गया था दोस्तों अनरिजर्व में 40% में लिया जाएगा, इसीलिए इसी में ही लिया गया है। अनरिजर्व 40 है, OBC 35 गया है, SC भी 35, ST 30 गया है। तो इससे इसके बाद आपको CBT 2 देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2। दोस्तों, यहाँ पे हम सिलेबस पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसीड्योर और जो एग्जाम स्ट्रेटजी और कौन सा स्टडी मटेरियल क्या रहेगा वो सारे जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देखिए CBT 2 का जो एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे पहले 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में एक होगा, पार्ट 1 में जो ड्यूरेशन 90 मिनट रहेगा, क्वेश्चन 100 रहेगा, और पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में आपकी क्वेश्चन 75 रहेगा और वो 60 मिनट रहेगा। इसके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, कंटिन्यूअसली एग्जाम देते जाओगी, पर यहाँ पे 2 पार्ट में एग्जाम होने वाला है, 1 मिनट भी गैप नहीं मिलेगा और बाहर भी आ नहीं सकते हो। तो एक ही एग्जाम जैसे लगेगा, पर 2 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जो पार्ट 1 रहेगा, आपकी जो सिलेबस रहेगा वो जैसे कि फर्स्ट CBT जैसे ही था ऐसा ही है। तो दोस्तों देख सकते हो मैथमेटिक्स का एग्जाम है, क्वेश्चन है, जो भी जो फर्स्ट एज का सिलेबस जो था ये भी वही है। दोस्तों देख सकते हो नंबर सिस्टम, बॉडमस, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, LCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, तो स्क्वायर रूट, एज, ये सारे जितना भी था वो फर्स्ट स्टेज CBT का, ये सेकंड स्टेज CBT का उतना ही है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग वही था जैसे कि अलजेब्रा, मतलब एनालॉजी, अल्फाबेटिक, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन, डाटा इनसफिशियंटी, ये सारे जो भी था वो सारे इसमें भी है दोस्तों। तो उसके बाद बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग थोड़ा अलग रहेगा। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाएगा। ड्राइंग में प्रोजेक्शन व्यू ड्राइंग, जैसे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या रहेगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या रहेगा। इंजीनियरिंग साइंस इंजीनियरिंग जैसे कि डिप्लोमा कर रहे हो तो फर्स्ट जैसे कि मेकाट्रॉनिक्स, मेकानिक्स ऐसा जो आता है ना सब्जेक्ट डिप्लोमा में, फर्स्ट ईयर जो रहता है सारे ब्रांच के लिए सेम ही रहता है, उसी लेवल में आपको आएगा इसमें इंजीनियरिंग साइंस। और इसमें आता है दोस्तों देख सकते हो यूनिटी चैप्टर आएगा। यूनिटी जैसे कि आपको वर्क का यूनिटी क्या है, पावर के यूनिटी क्या है, एनर्जी का यूनिटी क्या है, ऐसा पूछेगा दोस्तों। तो यूनिटी है और मेजरमेंट है, मास, वेट,
डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, एक कैलकुलेशन दे सकता है, डेंसिटी मटेरियल को पूछ सकता है, माइल्ड स्टील का डेंसिटी कितना है, एल्यूमिनियम का डेंसिटी कितना है, तो डेंसिटी भी पूछेगा। वर्क पावर एंड एनर्जी, दोस्तों यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए मैं आप लोग को बुक्स एक सजेस्ट करूँगा, वर्कशॉप क्वालिफिकेशन एक कपिल देव का आता है, तो वहाँ पे आप सब ये जो सिलेबस है उसी बुक्स में सारे मिल जाएगा दोस्तों। यूनिटी चैप्टर, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे दोस्तों इंजीनियरिंग में फर्स्ट फर्स्ट सेमिस्टर में जो आता है ये सारे आता है, और ये यही आता है, और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक एक्स्ट्रा आएगा। ड्राइंग में प्रोजेक्शन का सिंबल पूछ लेगा या फ्रंट दे देगा, टॉप कौन सा रहेगा उसको, ड्राइंग एलिवेशन कौन सा है, एक ड्राइंग दे देगा फ्रंट कौन सा है, टॉप कौन सा, अगर अगर दोस्तों एक फ्रंट दे देगा, एक क्वाड्रेंट में रहेगा तो टॉप कहाँ पे रहेगा, साइड कहाँ पे रहेगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये सारे पूछ सकता है। तो दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का आ गया, लाइंस पूछ सकता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक लाइंस चैप्टर आता है, तो सिंबॉलिक ये सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में आता है दोस्तों। उसके बाद करंट अवार्ड ने करंट जनरल अवार्डनेस और करंट अफेयर, जनरल अवार्डनेस करंट अफेयर, जैसे कि करंट अफेयर आ रहा था, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये नहीं आने वाला है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं आएगा। करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सारे जैसे कि इंडियन पॉलिटिक्स, ये सारे जो आ रहा था करंट अफेयर में आने वाला है। तो दोस्तों उसके बाद आपकी पार्ट बी में आएगा, पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन रहेगा 75 क्वेश्चन और टोटल टाइम रहेगा 90 मिनट, एक खत्म हो जाएगा, एक सबमिट कर दोगी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पार्ट बी को आना पड़ेगा। पार्ट बी में दोस्तों आपकी ट्रेड से पूछा जाएगा, ट्रेड से कैसे कि यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आएगा, इतने सारा ब्रांच के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे ब्रांच दे दिया गया है, ट्रेड दे दिया गया है, इस ट्रेड में जो लोग हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि फिटर, मशीन मोटर व्हीकिल, और यहाँ पे दोस्तों मशीन डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, ये सारे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो दोस्तों इसका सिलेबस, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंबशन ऑफ वेरियस स्टीम, ये सारे क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों आपको लेके चलता हूँ एक वेबसाइट दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, यहाँ पे सारे सिलेबस दिया गया है। आपको अगर फिटर का चाहिए तो ये दोस्तों यहाँ पे दिया गया है फिटर का, गैस कटर, वेल्डर, ये सारे दिया गया है, फिटर, स्ट्रक्चरल, वेल्डर, यहाँ पे टर्नर, ये सारे सिलेबस दिया गया है। ये वेबसाइट को आके आप सिलेबस डाउनलोड करके सिलेबस भी देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हो मैं एक फिटर का सिलेबस डाउनलोड किया हूँ, और ये बहुत बड़ा सिलेबस देता है, सिलेबस वाइज पढ़ने जाओगी तो बहुत ही मतलब ह्यूज अमाउंट में रह जाएगा, स्क्वायर रूट, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये भी फिटर के अंदर ही आता है। मास, वेट, डेंसिटी, जैसे भी इससे पहले मैंने जनरल साइंस बताया ना, मास, वेट, डेंसिटी पूछा गया था, स्पीड एंड वेलोसिटी पूछा गया था, वर्क पावर एनर्जी पूछा गया था, ये सारे फिटर के अंदर आता है, तो क्वेश्चन भी आ सकता है फिटर। और स्टडी मटेरियल के बात करेंगे तो दोस्तों आप लोग को पता होगा इससे पहले जो असिस्टेंट लोको पायलट हो रहा था एक ही टाइम में एक ही एग्जाम हो रहा था, तो एक ही एग्जाम में आप लोगों को साइको दे सकते थे, तो जो एक ही टाइम में एक ही एग्जाम हो रहा था वो क्वेश्चन निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोस्तों मैथ, रीजनिंग, जीके, टेक्निकल सारे कंबाइंड करके डाल रहा था, आपको देखना पड़ेगा टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल पार्ट से कैसे किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा था, तो उसी से थोड़ा आपके अंदाज आ जाएगा किस टाइप का टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत वेबसाइट में मिल जाएगा, वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद वो सारे पढ़ लीजिए। और टेक्निकल जो अगर मैकेनिकल ये सारे ट्रेड से हो तो आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके, उधर आप मेरा बहुत सारा MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियोज रखा हूँ, वीडियो देख के तैयारी भी कर सकते हो दोस्तों। तो तैयारी करने के बाद आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और दोस्तों
आप क्रैक कर सकते हो। इसके लिए जो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है ये सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज सीबीटी क्या था, ओनली सेकंड स्टेज आने के लिए, वो मेरिट में काउंट नहीं होगा फर्स्ट स्टेज सीबीटी, पर सेकंड स्टेज सीबीटी जो है वो पूरा मेरिट में काउंट होगा। आपकी जो सिलेक्शन होगा बेस ऑन सेकंड स्टेज सीबीटी, सेकंड स्टेज सीबीटी से ही आप लोग सिलेक्शन हो सकते हो। तो डिप्लोमा डिग्री वालों भी यही सिलेबस में ही पढ़ेंगे, जो डिप्लोमा बीटेक वालों भी इसी सिलेबस वाइज पढ़ना पड़ेगा उन लोगों को भी, क्योंकि ये जो जॉब है वो आईटीआई बेस है, तो आप लोग को भी आईटीआई बेस में पढ़ना पड़ेगा। आईटीआई वालों को भी थोड़ा डिप्लोमा वालों के लेवल में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे कंबाइंड करके क्वेश्चन दे सकता है। जो 75 क्वेश्चन आएगा टेक्निकल पार्ट आएगा, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, 75 प्योर टेक्निकल आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा सिलेबस, मैंने पूरा बता दिया। स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। अनअकैडमी में मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो डाल के रखा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वो वीडियो देख लीजिए। और एग्जाम स्ट्रेटेजी, और 20 डेज से 22-30 डेज आपको बचा है दोस्तों, उससे पहले आपको अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए आप लोग को रिमाइंड कर दिया। सिलेबस सिलेबस वाइज पढ़ते जाइए, टाइम कैप्चर हो जाएगा। फिर भी 1 महीना बचा है ना, अभी तो फास्ट जो लेवल 1 के लिए अभी तैयारी किए थे वो तो याद है, अभी लेवल 2 के लिए, जो पार्ट 2 के लिए तैयारी कीजिए। जैसे कि टेक्निकल, टेक्निकल के लिए आप अच्छा से तैयारी कीजिए। फास्ट फास्ट लेवल का तो प्योर नॉन टेक्निकल, और फास्ट लेवल में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा, ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके लिए थोड़ा तैयारी कीजिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल पार्ट, तो उसी की तैयारी करोगी तो आपकी क्लियर हो सकता है सेकंड स्टेज सीबीटी दोस्तों। तो दोस्तों ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, पूरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।